गुलाबी गैंग ने फिर एक बार जबलपुर में दस्तक दी है। इस बार मामला है शादी विवाह कराने वाली एक वेबसाइट से जुड़ा, जिसमें एक महिला के साथ ठगी की गई है। उसके बाद अब जबलपुर में आंदोलन की रूपरेखा गुलाबी गैंग बना रही है। सबसे पहले इसमें देखते किस तरह से ठगी हुई है, पीड़िता यहाँ मौजूद, उनसे बात करते कि आपके साथ हुआ क्या है। शादी.com के माध्यम से, मतलब शादी.com में मैंने प्रोफाइल बनाई थी और शादी.com के माध्यम से ही मेरे पास शादी.com के ऑफिस से फोन आया था कि ये विनय राजपूत जी आपसे बात करना चाहते हैं। और फिर उन्होंने विनय राजपूत जी को मेरा नंबर दिया था। विनय राजपूत जी ने मुझे फोन किया, कॉन्टेक्ट किया, बातचीत हुई और उनको मेरी प्रोफाइल ठीक लगी और मुझे भी ठीक लगी। उन्होंने बताई जैसे कि वो RBI बैंक में है और ऑडिट डिपार्टमेंट में है। उनकी पोस्टिंग भोपाल में थी और भोपाल से भी पोस्टिंग बॉम्बे होगी। और फिर वो यहाँ आए, मुझसे मिले, घर मेरे घर में सबसे मिले और फिर बातचीत की। उन्होंने कहा कि आप लोग आइएगा और मेरे मदर फादर है नहीं, बेटी है जो कि बाहर बोर्डिंग पढ़ती है, और बुआ जी और बड़े पापा जी से मिलवाना है, बातचीत करना, वही सब सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर मुझे यहाँ से सूरत लेके गए और सूरत ले जाके और फिर मुझे वहाँ होटल में चेकआउट करवाते हैं। तुरंत ही बोले BSCC के पार्लर जाना, तैयार होना, बुआ जी आने वाली है। और बाकी सारी बोली यहाँ तुम किसी को जानती नहीं हो, जो मैं ज्वेलरी वगैरह पहनी थी, बोले मैं यही कार में बैठा हूँ, जब तक तुम अंदर से तैयार वैयार होके आओ, फेशियल वेशियल करा के। और मेरा पूरा पर्स ले लिया, पर्स में मेरा मोबाइल और चेकबुक, ATM, जो भी कैश है वो और ज्वेलरी वगैरह से कंगन है, चेन है, अंगूठी है, सारी चीज सब पर्स में रख दी थी मैंने, और पर्स को लेके और सब पूरा गायब हो गया। कितनी मुलाकातें हुई आपकी उनसे, कितनी बार मुलाकात? एक बार जब वो जबलपुर आए थे तब, और एक बार अभी जब आए थे लेने सूरत तक। अच्छा, तो विवाह तो हुआ नहीं, विवाह की बात ही चल रही थी, आप मतलब आमने सामने देखना चाह रहे थे, मिलना चाह रहे थे? हाँ, उनके परिवार वालों से मिलना चाह रहे थे। फिर उसके बाद कोई कंप्लेन कहीं पर किसी से सहायता मिली जब आप ये सब सामान चला गया, किसने सहायता की आपकी यहाँ जबलपुर, किस तरह से पहुंची आप? मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ना फोन कुछ भी नहीं था। फिर मैंने इनसे पूर्णिमा जी से कांटेक्ट किया, पूर्णिमा जी से मैं पहले से कांटेक्ट में हूँ और इनका नंबर था मेरे पास, तो मैंने इनसे सहायता मांगी क्योंकि मुझे पता था कि ये आप बॉम्बे में ही रहती हैं। और फिर मैंने इनको फोन किया, इनसे बातचीत हुई, फिर इन्होंने मुझे वहाँ से थाने से बातचीत करके और होटल वालों से बातचीत करके इन्होंने मेरी सहायता की, मुझे पैसे भिजवाए, खाने पीने की व्यवस्था करवाई, मेरी टिकट टिकट करवाई, और फिर टिकट करवा के इन्होंने मुझे बॉम्बे बुलाया। और बॉम्बे बुला के फिर बॉम्बे में एक दिन रखा और वहाँ से सब मुझसे पूरा घटनाक्रम पूछा, सारी चीजें की जानकारी ली और फिर मुझे यहाँ जबलपुर भिजवाया। पूर्णिमा जी, आपने इनके दस्तावेज देखे होंगे जो विनय राजपूत वगैरह ने दिए, जो जैसा इनाम बता रही हैं, दस्तावेज कैसे हैं? दस्तावेज में फिरदौस लिखा आ रहा है और ये उजागर रहती है कि जो ID में फिरदौस लिखा आ रहा था, ये नफ्स जिहाद का एक बड़ा मामला सामने उजागर हुआ है और हम इसको बिल्कुल मान के चले कि सोशल मीडिया पे इस तरीके के बड़े स्तर पर रैकेट चल रहे हैं। और यहाँ के पुलिस अधीक्षक को, जो कि अभी एक नया कानून लागू हुआ है कि अगर आपको फोन पर, व्हाट्सएप पर आकर जानकारी दी जाती है तो आप उस आधार पर FIR ले सकते हैं। लगातार ये जो पीड़िता है उनसे संपर्क में, मैंने SP साहब का नंबर भी दिया, मैंने खुद उनको इस चीज की जानकारी दी, ये दोनों नंबर चालू है, आप इसको ट्रैकिंग पर डालिए, निवेदन किए जा रही है। लेकिन जिस तरीके से जबलपुर पुलिस का रवैया सामने आया, ये समाज के लिए बड़े सवालिया निशान खड़े करता है। हमारा समाज आज खतरे में है, खतरे में है, और जिसके लिए गुलाबी गैंग एक बार फिर मुखर होने के लिए तैयार खड़ी है, जबलपुर में है। और जब मैं जबलपुर आई तो दूसरे दिन फिर आज एक केस सामने आया है, बिल्कुल सेम शादी.com के माध्यम से ही। तो ये जो बड़ा मसला चल रहा है जबलपुर संसार धानी में, पुलिस कर क्या रही है? और मेरा ये मानना है कि ऐसे जबलपुर जैसे संवेदनशील जगह पर पुलिस अधीक्षक महोदय आदित्य प्रताप सिंह जी ने जो अपनी निश्चितता दिखाई है, मैं माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से निवेदन करती हूँ स्तंभ के माध्यम से कि इनकी रवानगी दाव होकर जबलपुर को SP ऐसे SP के हाथों में दे, ऐसे पुलिस अधीक्षक के हाथों में दे जो यहाँ की अपराध व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर लगाम कस सके और समाज को भय मुक्त और अपराध मुक्त बना सके। आप क्या कार्रवाई की मांग कर रही हैं और अगर समय पे कार्रवाई नहीं होती तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? हमने 15 अगस्त तक का निवेदन किया है कि 15 अगस्त तक अगर ये अपराधियों को नहीं पकड़ कर लाते हैं तो गुलाबी गैंग एक बार फिर जबलपुर में महाआंदोलन का रूप लेगा और पूरे जबलपुर को एक बार फिर गुलाबी करने का जो है साहस जुटा पाएगा। और सभी महिलाओं को हम आह्वान करते हैं कि जबलपुर की वो सारी महिलाएं
जो उस तरीके से अपराध से पीड़ित है वो उस दौर में शामिल हुए और मुखर होकर अपनी आवाज को बुलंद करें। गुलाबी गैंग हर महिला बहन बेटियों के साथ हमेशा है और रहे। पुलिस का क्या स्टेप था? सूरत पुलिस का सहयोग आपको मिला? सूरत पुलिस ने मेरी मदद किया, उमरा थाना और वडोदरा थाने के लोगों ने मदद किया और आज ये यहाँ पर परिवार के साथ सुरक्षित पहुँच पाई। सूरत पुलिस ने बिल्कुल मदद की। तो आपने देखा कि इस तरह से धोखाधड़ी हुई है, इसमें सूरत पुलिस की जो भूमिका की सराहना करी है पूर्णिमा निगम जो गुलाबी गैंग के कमांडर हैं, और इसके साथ जबलपुर पुलिस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह से लगातार व्हाट्सएप से जानकारी देने के बाद भी FIR पंजीबद्ध नहीं की गई, न उस मामले को तत्परता से ग्रहण किया गया और एक्शन लिया गया। तो अब 15 अगस्त तक एक अल्टीमेटम दिया है पूर्णिमा वर्मा ने कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो गुलाबी गैंग जबलपुर में एक बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर होगी। कैमरा पर्सन संदीप साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी, जबलपुर।